अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो आपका उस माल में हक है, आपके बीवी बच्चों का हक है, आपके माँ बाप का हक है, आपके भाई बहनों का हक है, आपके रिश्तेदारों का हक है और दीगर जरूरतमंदों का हक है। ये इस माल का आपके पास होने का मतलब ये है कि आप इस माल के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियां समझें। अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह ने जिक्र किया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाह ने नेकियों की तफसील गिनवाई, उसके बाद अल्लाह आगे कहते हैं, वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीना वबन सबील वसाइलीना वफिर रिक़ाब। माल के ताल्लुक से एक बात याद रखें, माल आपके पास है तो उस माल में आपके साथ साथ दीगर लोगों का भी हक है। आप माल से मोहब्बत करते हैं लेकिन इम्तिहान आपका है, आप बड़े उस वक्त माने जाएंगे जब माल से मोहब्बत के बावजूद आप उस माल को रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, गरीबों पर, जरूरतमंदों पर, मांगने वालों पर, ना मांगने वालों पर आप खर्च करते रहे। ये इस माल के अंदर इन तमाम लोगों का हक है। और आप तसव्वुर करें, अगर आप इस माल को गरीबों पर खर्च न करें, आप इस माल के जरिए अगर खाना मिस्कीनों को न खिलाए, अल्लाह कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम के अंदर डाल देगा। आप वो याद करें, सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मासलककुम फी सक़र, बताओ जहन्नम में कैसे आए, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। आपके पास माल है तो इस माल में गरीबों का हक समझे, ये शरीयत आपको तालीम देती है।